दोस्तों, विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हुआ हूं सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रायपुर छत्तीसगढ़ में। और आज मैं आपको कुछ ऐसी मशीनें दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, सच में लाइफ में कभी भी नहीं देखी होंगी। और जो मशीनें एक ही कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है, मैंने कंपनियां बहुत देखी हैं, मगर बहुत जो इंडिया में पहली इंडस्ट्री है जो सभी पार्ट, सभी मतलब किसानों के जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो सभी यहाँ पे बनते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, मैं ना आपको यहाँ पे पहले तो इनकी बैन दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ना, खुद की इनकी अपनी बैन है जो कि सुरजीत के नाम से बैन तैयार की गई है। और जिस पे ये कल्टीवेटर रखा हुआ है, और यहाँ पे आप थ्रेशर देख सकते हैं। इनको थ्रेशर देखने का मिलेगा, 6 फैन वाला पेंडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जो अभी सुरजीत का है, जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे मिनी कंबाइन भी तैयार की गई है। यहाँ पे कंपनी ने मिनी कंबाइन तैयार की है, बहुत अच्छी और बढ़िया तकनीक से बनी हुई है जो मिनी कंबाइन। और किसान को पीछे बैठने के लिए सहूलत दी गई है, और आप देख सकते हैं जो मिनी ट्रैक कंबाइन, देखो बहुत अच्छी और बढ़िया बनी गई है। जे काफ़ी पीस तैयार किए गए हैं, बहुत ज़्यादा तैयार किए गए हैं, स्टॉक बहुत रखा गया है। और उसके बाद आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, दो आपको दो मशीन दिख रही होंगी, इसके आगे इंजन लगा हुआ है, उसके भी आगे इंजन लगा हुआ, उस पर और हैवी इंजन लगा हुआ है, और इस पर 25 HP का इंजन, 10 HP का इंजन होगा जो रखा गया है इस पर। जो आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो इसमें बैठने के लिए सुविधा दी गई है, अच्छी और बढ़िया ड्राइवर के लिए, पीछे लीवर दिए गए हैं घूमने के लिए। और जो इस मशीन का जो काम रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं ब्लेड। और ये जो ब्लेड हैं दोस्तों, ये जैसे कि गन्ने की फसल होगी, मक्का की फसल होगी, उसकी बुझाई करने के लिए ये मशीन को तैयार किया गया सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने। और कंपनी ने दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी मशीनें तैयार की हैं, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जो आप बड़ी देख रहे हो, ये बड़ा रोटावीटर है जो इसके पीछे कंपनी ने अटैच किया गया है, रोटावीटर भी लगाया गया है इसमें, आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक वाला रोटावीटर है दोस्तों। भी इसमें लीवर में आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, खोल सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, जैसे भी घुमाना चाहे आप घुमा सकते हो उसको। और भी दिखाता हूँ, वीडियो पे बने रहना दोस्तों। और जो मशीन देख रहा हूँ मैं ये दोस्तों, आपको मुझे तो ये मशीन धान की जो बुझाई करने होती है वो मशीन लगी, पर जी कुछ और मशीन है आप देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना जी कौन सी मशीन है। वैसे आप देख सकते हैं ये ट्रैक मैन है छोटी मिनी, और इसमें भी अच्छी बढ़िया सिस्टम से तैयार की गई है। और आप देख सकते हैं इसे ऊपर सुरजीत का जो लगा हुआ है, यहाँ पे बीज वगैरह डाला जाता है और यहाँ से बीज निकलता है। मुझे मशीन का नहीं पता लग रहा जी क्या क्या मशीन है, क्या बनाती है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सिस्टम यह लगा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जी भी आपको देखने को मिलेगा, दोस्तों वीडियो पे बने रहना, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कंपनी एक मशीन नहीं तैयार करती, मैन्युफैक्चर जितने भी आपको देख रहे हो मशीनें, जिस सभी सुरजीत इंडस्ट्री जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में सभी इम्प्लीमेंट खुद मैन्युफैक्चर करती है, सभी बनाती, सब कुछ बनाती है। जैसे आप देख रहे हो जहाँ पे दो हार्वेस्टर भी हैं, उनको भी बनाया जा रहा है, और पीछे एक ट्रैक मैन खड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हम करके आप देख सकते हैं, वो पीछे आप ट्रैक मैन देख सकते हैं, वो भी सुरजीत इंडस्ट्री द्वारा तैयार की गई है। और साइड पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपको रीपर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दो रीपर रखे हुए हैं जो सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रायपुर छत्तीसगढ़ में तैयार किए गए हैं। रीपर हैं दोस्तों, अलग अलग मॉडल हैं। और उसके बाद आप थ्रेशर देख सकते हैं, उसके बाद आप जी भी गन्ने की सीधी बिजाई करने के लिए मशीन बनी हुई है, काफ़ी हैवी तैयार की गई है। उसके बाद जो थ्रेशर देखो दोस्तों, थ्रेशर आपको सुरजीत कंपनी बहुत ही खास और अलग अलग तकनीक देखने को मिलेंगे। जी देखो जी थ्रेशर का फेस शेप कैसे है, बहुत अच्छी और बढ़िया डिज़ाइन तैयार की गई है। और जो मैं नेक्स्ट थ्रेशर देख रहा हूँ जी, काफ़ी बड़ा दिया गया, काफ़ी बड़ा ऊपर बड़ा थ्रेशर है ये, आप देख सकते हैं जे भी एक अच्छी और बखरी ऐसी तकनीक में पहले नहीं देखी दोस्तों, क्योंकि जो थ्रेशर बना हुआ पूरा हैवी बना हुआ है। और ये भी देखो डिज़ाइन तैयार किया गया थ्रेशर का, ये भी कुछ अलग है। और ये सभी थ्रेशर पेंडी मल्टीक्रॉस थ्रेशर हैं दोस्तों, अलग जो मूँगफली का थ्रेशर है, अलग अलग ये मूँगफली निकालने वाले थ्रेशर हैं। और उसके बाद आपको और दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे छोटा थ्रेशर है जो 25 HP पे ट्रैक्टर चला सकता है, मक्का का थ्रेशर है जो बनाया गया है, बहुत ही छोटा और अच्छा बढ़िया थ्रेशर बना हुआ है सुरजीत एग्रीकल्चर द्वारा। और उसके बाद आप ये भी थ्रेशर देख सकते हैं,
मल्टी क्रॉप थ्रेशर देख सकते हैं। मल्टी क्रॉप दोस्तों थ्रेशर आपको अलग अलग डिजाइन के देखने को मिलेंगे। ये देखिए थ्रेशर ही थ्रेशर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप भी सुरजीत जो कि इंडिया में क्वालिटी में नंबर वन है, आप इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो सुरजीत कंपनी का नंबर है जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप इन नंबर पर सेवा करके इस कंपनी से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दुलब्बा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।